बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम वसला रसूल वाह अला वाही वा अजमान अम्माबाद रबी शुरखली सदरी वयसरली अमरी वाहलूल मिल्सानी अफका कौली व्का असलम वरम वरक वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ थिंग्स दैट मैटर मैंने वीडियो में भी अनाउंस किया था कि इंशाल्लाह दिस वीक क्लास इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेशल सो क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज हम लोग आपको ये तो बताते रहते हैं कि इल्म की बहुत अहमियत है इल्म हासिल करना है कुरान पढ़ना है कुरान सीखना है कुरान पे अमल करना है और मुख्तलिफ़ किताबें आपको रिकमेंड करते हैं मुख्तलि तफासिर आपको रिकमेंड करते हैं हाउएवर मुझे बहुत से सवाल आ रहे थे कि कुरान पढ़ना कैसे है? कौन सी तफसीर पढ़ें कुरान को कैसे समझें किस सूरह से स्टार्ट करें वट इज़ द अप्रोच हाउ टू गो अबाउट इट फिर कुरान पढ़ने के हवाले से जो सवाल जन्म लेते हैं उन सवालों को हम कैसे जो है वो लें उनके आंसर्स हम कहाँ से तलाश करें सो डिसाइडेड ला आई थिंग्स दैट मैटर की जो अगली क्लास है उसमें नॉलेज डेफिनेटली उसी पे आ, मेरा फोकस होगा कि नॉलेज हासिल करना कितना इंपॉर्टेंट है बट मैं हैंड्स ऑन अप्रोच के साथ आप सबको कुरान पढ़ के दिखाऊंगा uh, मेरे पास कुछ किताबें हैं वो किताबें मैं आपको दिखाऊँगा कुछ तफासिर हैं वो दिखाऊंगा मैं आपको इन एक अप्रोच बताऊंगा कि कुरान कैसे पढ़ते हैं कुरान को हम कैसे सीख सकते हैं और कुरान को हम कैसे समझ सकते हैं। सेड इट देखें मेरी जो जर्नी है कुरान के हवाले से इट वाज इन 2007 मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया कुरान को पढ़ने के मुख्त तरीक़े एक है कि आप सिंपल ट्रांसलेशन से गो थ्रू करें आप पहले एक सूरा का क्रक्स ले लें ओवरऑल गो थ्रू करके के चलो पहले ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ जो सवाल पैदा होंगे उनको थोड़ा सा साइड पे रखता हूँ सबर के साथ चलता हूँ या चलती हूँ लेट्स रीड कुरान कि इसमें है क्या ओवरऑल इसकी एक थीम क्या है कुरान की फिर हर सूरा की क्या थीम दूसरा तरीका है बहुत डिटेल मैथड है कि हम एक सूर खोल लें उसका वर्ड बाई वर्ड मीनिंग भी देखें फिर यह है कि उसकी ट्रांसलेशन के साथ उसकी तफसीर भी देखें तफसीर वेन इट कम्स टू तफसीर हम मुख्तलिफ तफासिर देखें नोट्स बनाएँ प्रॉपर मेहनत करके कुरान को सीखें यह तरीक़ा ज़ाहिर है बहुत टाइम मांगता है इसके लिए बहुत कमिटमेंट चाहिए इसके लिए आपको दो से तीन साल लग सकते हैं मैं आज आपको दोनों तरीक़ों के बारे में बताऊँगा मुख्तलिफ तफासिर के बारे में भी बताऊँगा और अपना एक पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि मैंने कुरान को कैसे सीखा था जब 2007 मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया था और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी ज़िंदगी में अल्लाह के बहुत करोड़ों एहसानात में से एक एहसान है कि मैंने आ, कुरान को समझा मैंने अल्लाह ताला ने मेरे दिल में कुरान की मोहब्बत पैदा की मुख्तलिफ ट्रांसलेशनस मैंने देखी और आ, अपनी तरफ से जितनी मैं एफ़र्ट कर सकता था आ, कुरान की मुख्तलिफ तफासीर देखी लेक्चर्स प्रपेयर करते हुए भी हम कुरान जो है वो माशा देखते हैं हमेशा कोशिश करते हैं कुरान से ज़्यादा कोट करें हदीस से कोट करें सबसे पहला जो मैंने जो एक चीज़ की थी सबसे पहली चीज़ देखें ये मेरा वैसे भी एक पढ़ने का तरीका हर बंदे का ना पढ़ने का एक तरीका होता है मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात बताता हूँ कि जब भी आप कोई किताब पढ़ें सबसे पहले उसके कंटेंट्स सबसे पहले जो कंटेंट्स का पेज होता है ना उससे गो थ्रू करें उसके बाद वो चैप्टर्स को अंडरस्टैंड इस तरह से करें उनके नामों के थ्रू मिसाल के तौर पर अगर मैं फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ फिजिक्स की बात करूं जनरल फिजिक्स में क्या है न्यूटोनियन मैकेनिक्स में क्या है थर्मल uh, फिजिक्स में क्या है कौन कौन से चैप्टर्स हैं लाइट साउंड एंड वेव्स में क्या है इलेक्ट्रिटी एंड मैग्नेटिज्म में क्या है न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या है ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स में मेरा इंटरेस्ट है फिजिक्स पढ़ाता हूँ बीइंग एन इंजीनियर मुझे जब चैप्टर वाइज पता लग जाएगा कि इस बुक में चैप्टर वाइज ये चैप्टर्स हैं और उनकी तरतीब पता लग जाएगी और फिर मुझे एक चैप्टर के कंटेंट्स पता लग जाएंगे मिसाल के तौर पे लेट्स टॉक अबाउट सपोज कर लें फोर्सेस का चैप्टर है फोर्सेस के चैप्टर में क्या क्या सब टॉपिक्स हैं वो जब तक मुझे नहीं पता लग जाएंगे मुझे चैन नहीं आता मेरा मतलब पढ़ने का ये तरीका और मैं सबको ये कहता हूँ कि इसी तरह सीक्वेंस वाइज चलें ये आपके ब्रेन के लिए अच्छा है हैविंग रेड साइकोलॉजी मैमरी का चैप्टर हमें पढ़ाया जाता है साइकोलॉजी में मैमरी किस तरह से बनती है हमारा ब्रेन किस तरह चीज़ें मेमोराइज करता है किस तरह उसको सस्टेन करता है ये मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ जब आप आपके ना ब्रेन में ब्लॉक्स होते हैं मेमोरी के जब आप हर चैप्टर का एक ब्लॉक बना लेंगे ना आपको उसके कंटेंट्स पता होंगे आपको सीक्वेंस वाइज उसमें टॉपिक्स पता होंगे दैट्स बेटर फॉर योर ब्रेन आपकी मेमोरी के लिए वो बेटर है वो चीज़ ज़्यादा देर सस्टेन रहेगी अब मिसाल के तौर पर कुरान पढ़ना सबसे पहली बात कुरान के एक चैप्टर्स हैं मुझे कंटेंट्स का पता होना चाहिए उन 114 चैप्टर्स में से 86 सिक्स मक् सूरज हैं ट्वेंटी एट मदनी सूरज हैं जो 86 सिक्स मक् सूरज हैं जाहिर है कि वो नबी अलैहि वसल्लम की जो पहली तेरह साल की ज़िंदगी है वही आने के बाद वो ज़ाहिर है कि उस ज़िंदगी के जो हालात थे जो चैलेंजेस थे जो उनके टास्क थे जो क्वेश्चंस उनसे किए जाते थे जो मसले उनको दरपेश आते थे वो उनसे रिलेटेड अगले जो दस साल मदनी दौर है उसमें ट्वेंटी एट सूरज नाजिल हुई हैं मदनी सूरज की क्या थीम है मक्की सूराज की क्या थीम है ये आपको पता होना चाहिए मक्की सूरज में चूँकि नबी अक्रम स टीम बिल्डिंग कर रहे थे नबी अक्रम सल वसम साहबा की शख्सियत पर वर्किंग कर रहे थे पर्सनैलिटी पे वर्किंग कर रहे थे वो एक टीम बना रहे थे जिसने पूरी दुनिया में एक तहलका मचाना है चेंज लेकर आनी है सोशल रेवोल्यूशन लानी है लिहाजा ये ज़रूरी था कि उन लोग को मार्फत इलाही और फ़िक्र आखरत का कॉन्सेप्ट दिया जाए और उनके जा अक़ीदे पे उनके क्रीड पे वर्किंग की जाए उनकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग की जाए अकीदा हमारी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग करता है द मोर यू नो अल्लाह अल्ला द मोर स्ट्रांगर यू बिकम ये मेरा सेंटेंस याद रखिएगा जितना आप रबुलआलमीन को जानेंगे आपकी जड़ें उतनी मजबूत होती जाएंगी आप ज़िंदगी में उतने बहादुर होते जाएंगे इसलिए मार्फत इलाही मक्की सूरज ज़्यादातर मदनी में भी है डेफ़िनेटली है तो इसी तरह फ़िक्र आखरा जब खुदा खौफी डेवलप हो जाएगी अकाउंटेबिलिटी का डर आ जाएगा सेंस आ जाएगी डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी में ऐसी चेंजेस आएंगी आप भी हैरान रह जाएंगे आप विजिलेंट हो जाएंगे आप बहुत ज़्यादा ख्याल करने वाले हो जाएंगे आप अकाउंटेबिलिटी का ख्याल करने वाले हो जाएंगे सो रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन लाइफ तो मक्की सूरज की मेन थीम्स ये दो हैं और भी हैं लेकिन मेन दो ही हैं मदनी सूरज मामला पे बात करता है ज़्यादा मामला की बात हुई इबादत की बात हुई उसमें उसमें हमारे जाहिर एक माशरा बना मदीना में जाके तो है माशरती पहलू को मद्देनज़र रखते अल्लाह रबालमीन ने जो रूल्स एंड रेगोलेशन बताने थे वो बताए सूर्य हुज़रात जैसे मदनी सूर्य डेफ़िनिटली उसमें माशर्ती हमारे जो Uh, माशरती निज़ाम है uh, इस्लाम का सोशल सिस्टम जो है हमारा जो मैनर्स हैं जो एथिक्स हैं उस हवाले से बहुत डिटेल बात हुई बहरहाल क्रक्स ये है कि मक्की सूरज की थीम और मदनी सूरज की थीम ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है अच्छा बात मैंने की थीम पता होने का कंटेंट पता होने का और सबसे पहले नंबर ऑफ सूरज पता होने का नेक्स्ट थिंग विच आई डिड मैं ये अपनी पर्सनल अप्रोच बता रहा हूँ कि मैंने कुरान के जो सूरज के नाम है वो याद करना शुरू कर दी जैसे मैं आपको बताता हूँ सूर्य फातह सुरःकर सुरय अलेमरान सूर्य नसा सुरय माहदा सराम सुराफ अनफ़ाल सुर तोबा सूर्य यूनस ये मैंने आपको फर्स्ट टेन चैप्टर्स के नाम बताए मैं क्या करता था रोज़ाना रात सोने से पहले टेन टेन चैप्टर्स के नाम याद करता था अच्छा नेक्स्ट टेन चैप्टर्स सराह हूद सूर्यसफ सज इब्राहिम सूर हिजर सूर्य नहल सनी सराइल सुरह कहा मरियम सूर तोहा ये नेक्स्ट टेन चैप्टर्स के नाम फिर नेक्स्ट टेन चैप्टर्स के नाम फिर नेक्स्ट टेन चैप्टर्स के नाम मुझे अलहमद ला सुमा अलहमद ला कुरान के 114 फोटीन चैप्टर्स के नाम याद हैं ये नाम याद होना क्यों ज़रूरी है ताकि आपके जहन में फ़ौन आ जाए कि अच्छा सूर्य नसा इसकी क्या थीम है अच्छा सुरय आज़ाब इसकी क्या थीम है ये वो स्ट्रेटिक तरीका है अगर आपने दावा का काम करना है अगर आप लोगों को कुरान कोट करना चाहते हैं ये चीज़ मैं इंस्पायर हुआ था डॉक्टर जाकिर नाइक से कि आई शुड बी कोटिंग थिंग्स फ्राम द कुरान ये स्ट्रेटजिक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये वो नहीं है ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह आप चलें हाउ एवर अगर इस तरह आप चलेंगे तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कुरान के एटलीस्ट चैप्टर्स पता होंगे और आपको एटलीस्ट ये पता होगा कि सूर्य हुजरा मिसाल के तौर तो पे कोई मुझे कहता है कि यार सूरय हुजरात जो है वो कहाँ पर है अब पारा वाइज उफाज को याद होता है लेकिन मैंने चैप्टर वाइज याद किया मुझे किए कि मुझे याद है कि चैप्टर फोटी नाइन इज़ सूर उजरात कोई कहता है कि सूर्य यासीन कहाँ पर है तो आई नो कि सूर्य यासीन इज़ चैप्टर थर्टी सिक्स ऑफ द कुरान ये चीज़ मैंने ग्रिप की क्योंकि मेरा तरीका ये कि जब तक मुझे कॉन्टेंट्स पर ग्रिप ना आ जाए मैं आगे नहीं चलता अच्छा ये मैंने आपको बात बताई अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरान कौन सा पढ़ें किस अप्रोच के साथ पढ़ें कैसे समझें सबसे पहली बात आप सब के लिए बहुत सादत की बात होगी अगर आप कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी तौफीक होगी ये अल्लाह ताला का एहसान होगा अल्लाह का गिफ्ट होगा आपके लिए क्योंकि कुरान इज़ द बुक दैट शक दर्ल्ड या सीन वल कुरान इल हकीम। ताला कसम खा के कहते हैं कि कुरान बेशक बुक ऑफ विजडम है इट विल चेंज एवरी थिंग इन योर लाइफ इट विल ब्रिंग द अल्लाह ताली देखें कुरान को क्या कहा अल्लाह ताली ने कि ये मोआजा है ये शिफा है किस चीज़ की शिफा जो चीज़ फिसूर हमारे सदर में हमारे सीनों में उसके लिए शिफा है रूहानी बीमारियों के लिए शिफा है जिसमानी बीमारियों के लिए भी शिफा है ये मोइजा है रिमाइंडर है हम सब के लिए और ये गाइडेंस है ये रहमा है ये मरसी है अल्लाह सुब्हानहु व तआला की यह ब्लेसिंग है इसलिए इन ऑर्डर टू रीड द कुरान मैं टू थाउजेंड सेवन में जब कुरान पढ़ना शुरू किया मैंने कुरान खोला मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैं अरबिक पढ़ना भूल चुका हूँ क्योंकि द लास्ट आई रेड द कुरान मुझे याद है ये मैं बात कर रहा थाउजेंड सेवन की जब मैं यूनिवर्सिटी में था और द लास्ट आई रेड द कुरान वाज मे बी शायद जब मैं बच्चा था या ओ लेवल्स में होंगा मे बी तब मैंने को कुरान की सूरह वो भी कहाँ पढ़ी होगी किसी चालीसवें पे जाके पढ़ी होगी दिखाने के लिए हमारे माशरे में चालीसवें वग़ैरह पे कुरान पढ़ा जाता है ना तो शायद उसमें जाके पढ़ी एक रवायत के मुताबिक रवायती जो हमारा एक कस्टम है उसके मुताबिक बट उसके अलावा कुरान बिल्कुल आउट ऑफ टच अल्लाह ताला माफ़ फरमाए तो बहरहाल मुझे बड़ी शर्मिंदगी कि मैं तो कुरान ही पढ़ना भूल गया हूँ दैन वट आई डिड कि मैंने आ, मुझे पता था इतना मुझे नॉलेज था कि अब्दरमान सुदेश इमाम कहाबाएँ बहुत खूबसूरत उनकी तिलावत है तो मैंने उनकी तिलावत जो है वो कहीं से कॉपी की हमारा लैन का नेटवर्क जी आई के में बहुत वसी था वहाँ हर चीज़ अवेलेबल होती थी मैंने कारी अब्दरमान सुदैस की तिलावत जो है डाउनलोड की और उनको सुनना शुरू किया और उनको सुन के अपना तलफ़ और अपना एटलीस्ट वो चीज़ करेक्ट करना शुरू की बेसिक रूल्स तो पता थे लेकिन भूल चुके थे पढ़ना तो मैंने क्या किया कि मैंने उनकी तिलावत सुन के अपनी तिलावत करेक्ट करना शुरू की दिस वॉज़ सच अ ब्यूटिफुल जर्नी मुझे अभी तक याद है मैं असर से मग़ब का टाइम चूज़ किया था कि मैं रोज़ाना इस टाइम बैठूँगा पहले मैं उनकी तिलावत सुनता था तिलावत सुनने के बाद मैं ट्रांसलेशन ख़ुद पढ़ता था फिर ट्रांसलेशन पढ़ता था और उसके बाद अगर किसी चीज की ना समझ आए तो थोड़ी सी तफसीर देख लेता था ये है स्मार्ट मैथडोलॉजी मैं समझता हूँ सबसे पहले मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा देखें अगर आप डीपर तफसीर में जाना चाहते हैं दैट इज ऑल्सो गुड बट मेरी एडवाइस uh, ये है कि सबसे पहले आप कुरान को एक बार गो थ्रू करें ट्रांसलेशन से नहीं समझ आएंगी कुछ चीजें दोबारा गो थ्रू करें नहीं समझ आएंगी दोबारा गो थ्रू करें अब मैं आपको बारी बारी कुरान की कुछ ट्रांसलेशन रिकमेंड करता हूँ कुछ मैं आपको कुरान के हवाले से दिखाता हूँ उनकी तफसीर दिखाता हूँ कुरान की सबसे पहले आ, सही इंटरनेशनल की ट्रांसलेशन दिस इज़ जस्ट अ ट्रांसलेशन ये सिर्फ ट्रांसलेशन है अगर आप देखें इसमें अरेबिक नहीं है दिस इज़ जस्ट अ ट्रांसलेशन सही इंटरनेशनल इज़ वन ऑफ दी ऑथेंटिक ट्रांसलेशन ऑफ़ कुरान इन इंग्लिश ये कॉपी मैंने दुबई से ली थी और मैं विजिट टू दुबई आई एम नॉट श्योर ये पाकिस्तान में है कि नहीं लेकिन सही इंटरनेशनल का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है अभी मैं सॉफ्टवेयरस की तरफ आऊँगा मेरे सामने लैपटॉप है मैं इन आपको सॉफ्टवेयर भी दिखाऊँगा सही इंटरनेशनल इज़ रिटन रिटन तो नहीं कहना चाहिए ज़ाहिर आमाना वाली ने कुरान जो है नाजिल किया है इसकी ट्रांसलेशन इज़ कंपाइल एंड ओबियसली ट्रांसलेशन इज़ डन बाय थ्री रिवर्ट सिस्टर्स जो आपस में बहनें हैं उन तीन बहनों ने कुरान की ट्रांसलेशन की है बहुत अच्छी है स्कॉलर्स भी इसको रिकमेंड करते हैं बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है इसके अलावा द नोबल कुरान डॉक्टर मोहसिन खान और तकी उद्दीन बहुत अच्छी ट्रांसलेशन है इंग्लिश में और उसके ब्रैकेट्स में जब आप अभी मैं आपको सॉफ्टवेयर में दिखाऊंगा एक्चुअली जो ब्रैकेट्स हैं ना उसके एक वर्स है उसकी ट्रांसलेशन है और एक वर्ड के आगे ब्रैकेट लगा है और ब्रैकेट में कुछ अल्फाज लिखे हैं वो जो ब्रैकेट्स हैं ना वो तफसीर है तफसीर कुरतबी से उन्होंने ब्रैकेट में एक व्यू दिया हुआ है वो कुरान के अल्लाह ताला के अल्फाज की ट्रांसलेशन नहीं है वो तफसीर है ब्रैकेट के अंदर ये मैं नोबल कुरान की बात कर रहा हूँ जो कि डॉक्टर मोहसिन खान और डॉक्टर तकीउद्दीन हिलली ने दोनों ने मिल के कंपाइल किए ये ट्रांसलेशन बहरहाल दिस सही इंटरनेशनल इज़ जस्ट अ ट्रांसलेशन यू कैन ईजीली गो थ्रू द ट्रांसलेशन देखें इसमें अरबीक नहीं है आप सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ें आपको कुछ बातें समझ नहीं आएंगी कुछ बातों पे क्वेश्चन रेज होगा कहीं पे आपको लगेगा कि यार ये लैंग्वेज अल्लाह ताला की बहुत ज़ाहिर स्ट्रिक्ट है अल्लाह ताला डांट रहे हैं अल्लाह का गज़ब नाजिल हो रहा है कायद से देखें सारी टोन्स कुरान में अल्लाह का गज़ब भी है अल्लाह की मोहब्बत भी है यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अप अगेंस्ट हु यू नो द स्टेटस को ऑफ द सोसाइटी हु वर लिविंग अ लाइफ ऑफ इंसुलेंस हु वर लिविंग एन इस्पॉन्सिबल लाइफ दे डिडेंट They टू चेंज दे डिडेंट वांट के प्रोफिटलीसम जो टीचिंग्स दे रहे हैं वो माशरे में आ जाए क्योंकि देवर अफ्रेड के उनका स्टेटस को ख़राब होगा और उनकी चौधराहट जो है वो ख़राब होगी हालांकि नबी अलैहि वसल्लम ने बहुत वादे किए कि आप इस्लाम में अल्लाह आपको और इज़्ज़त देगा लेकिन देवर अप अगेंस्ट रसूल अबू जहल की बात कर रहा हूँ अबू लहब की बात कर रहा हूँ इसलिए कुरान में अगर बहुत स्ट्रांग लैंग्वेज आपको नज़र आती है कुफ़ार के हवाले से डिसबिलीवर्स के हवाले से याद रखें डिसबिलीवर कौन है कुफ़ार वो हैं जिनके सामने रसूल रसोलस दावत दे रहे हैं और वो मुँह पर दावत जो है रिजेक्ट कर रहे हैं उनको पता है ये नबी हैं उनको वाजह हो चुका है नबियाँ लेकिन वो मुँह पर रिजेक्ट कर रहे हैं वो साजिशें कर रहे हैं वो चाहते हैं कि ये जो हिदायत का नूर है ये ख़त्म हो जाए और उन्हीं का सिस्टम रहे एक्सप्लाइटेशन होती रहे वुमेन को कोई राइट्स ना मिले सो दे आर बेसिकली द दुल साइड उनके लिए अल्लाह ताला ने सख्त टोन इस्तेमाल किया कुरान में ये हरगिज़ भी ये मत समझिए कि कुरान हमें नॉन मुस्लिम से नफरत सिखा रहा है नावजबिल्ला अल्लाह ताला ने इनफैक्ट सूरह सफ़ में हमें हुक्म दिया कि वो नॉन मुस्लिम्स जो न्यूट्रल हैं जिन जो कोई तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स हर्डल्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं जो तुम्हारे एनिमीज़ नहीं हैं उनके साथ बहुत उसने सलूक करो वो इंसान हैं आदम अम की औलाद हैं इंसानियत में तुम्हारे भाई बहन हैं तो इसलिए प्लीज़ ये बहुत से लोग सवाल करते हैं कि क्यों काफिर क्यों कहा गया है भाई काफिर उसे कहा गया है आप ऐसे करेक्टर्स को माइंड में लेकर आए ना जो उस वक्त नबीसम सल के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे और वो मान ही नहीं रहे थे वो तुले हुए थे अपनी ज़िद्द पर तुले हुए थे तो इसलिए ज़रूरी है उनको बॉन्ड करना उनके साथ अल्लाह ताला की वो टोन बहुत ज़रूरी है इसलिए घबराना नहीं है आपने मतलब कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि यार मुझे टोन बहुत अल्लाह ताला की जाहिर है बहुत गु़स्से में अल्लाह ताला बात कर रहे हैं तो अल्लाह ताला गैरतमंद है ना जाहिर है कि अल्लाह सुफाना व तआला अपने क्रिएशन से बात करते हैं मोहब्बत से भी बात करते हैं वार्निंग के अंदाज़ में भी बात करते हैं अपना गज़ब भी जाहिर करते हैं ह्यूमैनिटी को बार बार उनकी औक़ात भी याद दिलाते हैं तो ये अल्लाह ताला का अंदाज़ है अल्लाह ताला का तरीका है मेरा आपको मशवरा ये कि आप कुरान को एक बार गो थ्रू करें ट्रांसलेशन के साथ इट इट विल टेक यू लाइक अ मंथ मे बी डोंट वरी क्वेश्चन आ रहे हैं आई नो बहुत आएंगे मेरे जहन में भी बहुत आते रहे आप एक बार ये तो तसली हो जाएगी ना कि यार मुझे पता है कुरान में एटलीस्ट इतना मुझे पता है कि क्या है तो मेरी ये अप्रोच है कि एक बार गो थ्रू करें फिर गो थ्रू करें दूसरी अप्रोच ये है कि आप जैसे मैंने पढ़ा था ट्रांसलेशन खोली आ, ट्रांसलेशन पढ़ी अरबी के अरबिक के साथ ट्रांसलेशन आपने पढ़ी जहाँ पे अटक गए कोई बात नहीं समझ आई तफसीर देखी किसी से पूछ लिया कॉल करके पूछ लिया अब मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ देखिए ये है वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन कुरान की आ, मानी अल करीम ये हाफि सलाहुद्दीन यूसफ़ साहब की है यू कैन सी इट लव्स बाय लवस माइनी वर्ड बाय वर्ड इट्स वेरी इजी वेरी सिंपल मैं आपको बल्कि कुछ जो है वो पढ़ के भी दिखाता हूँ देखिए ये इस वक्त मैंने खोला हुआ है सूर कहफ पारा नंबर सिक्सटीन से हम स्टार्ट करें अलम कलाम का इन तस्तती सबरा अब हम इसकी वर्ड बाय वर्ड जो है वो ट्रांसलेसन ज़रा देखते हैं वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेसन जो है इसकी क्या कौला इसने कहा कॉला वर्ड बाय वर्ड इसने कहा अ क्या लम अकुल नहीं मैंने कहा था लम अकुल नहीं मैंने कहा था लका तुझसे तुझ इन्ना का तहकीक तू यानी बेशक तू इन्ना का सुपरलेटिव डिग्री यानी बेशक तू लन तस् लन हरगिज नहीं लन हरगिज नहीं तस्त तस्तती कर सकेगा इस्तात से निकले ना तस्तिया कर सकेगा माइया माइया मेरे साथ सबरा सबर वर्ड ट्रांसलेशन है इससे आपको अरबिक के अब जैसे कौला कितना कॉमन वर्ड हुआ वर्ड यूज हुआ है कुरान में कोला का मतलब है इसने कहा लका तुझसे इन न का तू इसी तरह ये देखिए कोला इन सल तो का अनश इन फला तुसा हिबनी क़द बलख्ता मिन लदुन्नी उज़रा कौला इसने कहा इन अगर सा का मैं सवाल करूँ आपसे अनशई इन किसी चीज़ के बारे में किसी चीज़ की बाबत किसी चीज़ की बाबत बादहा इसके बाद फ़ला तुसा तो ना आप साथ रखना मुझे क़द बेशक तहकीक बलख्ता तू पहुँच गया है मिन लदुन्नी मेरी तरफ से उज़रा उज़र को एक एक वर्ड की ट्रांसलेशन और सेंटेंस की भी आपको समझ आ रही एक तो ये तरीका है अगेन मैं आपको दिखाऊंगा दिस इज़ वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसफ़ कोई और भी आप ले सकते हैं जो आपको आसान लगती है एक तरीका ये वर्ड बाय वर्ड आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे आप देखेंगे इससे आपकी अरबिक भी इम्प्रूव होगी आपको कुछ कॉमन वर्ड्स के मीनिंग्स भी पता लग जाएंगे ट्रांसलेशन भी पढ़ रहे हैं जहाँ सवाल उठा वहाँ क्या करना है अच्छा ये तो करीम मैंने तफसीर बिन कसीर वन ऑफ माई फेवरेट एंड वेरी ऑथेंटिक ओथेंटिकली तफसीर है सहाबा की तफसीर है ये टेन वॉलीम्स हैं तफसीर बिन कसीर ये देख लें एक वॉलीम इतनी मोटी है ये वाली जो वॉलीम है दिस इज़ दिस इज़ वॉलीम नंबर एट इट इज़ फ्राम अहजाब टू सूरा दुखान यानी चैप्टर थर्टी थ्री टू चैप्टर नंबर फोटी वन आई बिलीव सूरा दुखान तो इस तरह इसकी टेन वॉलीम्स हैं ये एक वॉल्यूम है मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक और वॉल्यूम है दिस इज़ वॉल्यूम नंबर टेन ये पारा नंबर थर्टी से थर्टी को भी कवर करती है ट्वेंटी नाइन को भी कवर करती है वॉल्यूम टेन तफसीर बिन कसीर का एक मिसाज है मैं अभी आपको बाकायदा एक सूरह पढ़ के दिखाऊँगा तफसीर बिन कसीर से आई लव तसीर बिन कसीर जब भी मुझे सहाबा का ओपिनियन और सहाबा के ओपिनियन देखना चाहिए और हदीस के मुताबिक तफसीर देखनी चाहिए डेफिनेटली जब वो रिक्वायर्ड है तो मैं इसको रुजू करता हूँ जब मुझे थोड़ा सा सोशल इशू सोशल आ, एस्पेक्ट से किसी आया का मीनिंग समझना होता है आज के माशरे के मुताबिक तो मैं रेफ़र करता हूँ मौलाना मदूदी तफहीमुल कुरान इलमी तफसीर के लिए आई ऑलवेज़ रेफ़र टू तफसीर बिन कसीर, एंड फॉर यू नो विद रिगार्ड्स टू सोशल ईशूज़ और एक सोशालोजी uh, की नज़र से जब कुरान की वर्सेज़ को मैंने समझना होता है तो मौलाना मधुदी का मुझे बहुत अंदाज पसंद है उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज से जो है वो आ, कुरान की एक कुरान के एक सब्जेक्ट को ले कर बताया कि किस तरह ये हमारे माशरे में किस तरह इम्प्लीमेंट हो सकती है बात या हमारे माशरे में अगर हम नजर दुड़ाएँ तो हमें क्या क्या इशू नज़र आता है और कुरान हमारी क्या रहनमाई फरमाता है सो तफही कुरान जो अभी मैं आपको लपेपटॉप पर इन शाला दिखाऊँगा दिस इज़ तफसीर बिन कसर अभी मैं आपको इसमें से एक पूरी सूरा भी पढ़ के दिखाऊँगा इन देन दिस शॉर्ट तफसीर इज़ सो अमेजिंग दिस इज़ डेफिनेटली माई मोस्ट फेवरेट अहसनल बयान हाफिज सलाहुद्दीन यूसफ़ देखें बिल्कुल फ़िरका वारिस से बरी हो के एक ये बड़ा मसला है कि लोग आपको मना करेंगे ये तफसीर ना पढ़ें ये तफसीर ना पढ़ें ये तो फलाने फ़िरके तो फ़लाने फ़िरके खुदा खौफी करनी चाहिए हमें हमारी इंटेंशन अल्लाह ताला के जो जाहिर है अल्लाह ताला ने जो मैसेज दिया है वो समझने किया फिर का वारिस से बरी हो के इस तफसीर को आप पढ़ें बहुत आसान है माशाल्लाह ऑथेंटिक है टू द पॉइंट है अभी मैं आपको खोल कर इसमें से कुछ जो है वो पढ़ कर इन ताला दिखाता हूँ देखिए मिसाल के तौर पर अब ये एक ही जल्द में सारी तफसीर है इसकी ज़बरदस्त बात यह कि ये एक ही जल्द में सारी की सारी तफसीर है अच्छा हम ऐसा करते हैं कि सरा यासीन जो कि बहुत मशहूर है बहुत फ़ेमस है हम सारे पढ़ते हैं सूर्य यासीन हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा शायद रिसाइट की जाती हो या सूर्य रहमान ये दो सूरतें बहुत रिसाइट की जाती सूर्य यासीन मैंने खोली अवज़बिल्मिनजिम रहीम ये इसका देख लीजिए पूरा वो ले आउट है ये कुरान है ये सैट पर तफसीर है यासीन वल कुरानल हकीम इन न कलमिनल मुस्लिन ट्रांसलेशन है यासीन कसम है कुरान हकीम की बिलाशुबा आप यकीन रसूलों में से हैं ओके अब ये आगे देखिए ये नंबर फोर ये नंबर फाइव और ये नंबर सिक्स ये जो हाशिया है नंबर फोर नंबर फाइव नंबर सिक्स ये यहां पर आपको मिलेगा नंबर फोर यानी यासिन के आगे नंबर फोर लिखा है तो नंबर फोर के आगे उसकी तफसीर है बाज ने इसके मायनी या रजल या इंसान के किए हैं बाज ने इसे नबी वसल्लम के नाम और बाज़ ने इसे अल्लाह के इस्मायसन में से बतलाया है यासीन की बात हो रही है लेकिन ये सब अकवाल बिला दलील है ये इनका व्यू है कि इनकी कोई दलील नहीं है कि ना ये रसोलस का नाम है ना ये अल्लाह के इसमाय हसन में से है और ना ही ये रजल या इंसान के मायनी है ये भी इन हरूफ़ मुकत्त में से ही हैं हैूफ मुकत्त यानि मीम, हा मीम ये हरूफ़ मुकत्त और इनके मीनिंग अल्लाह ही बेहतर जानता है फिर इसी तरह आ, वल हकीम कसम है कुरान हकीम की यानी ये हाशिया नंबर फ़ाइव अगर हम इधर आए या कुरान महकम की जो मानी के लिहाज से महकम यानि पुख्ता है आ, और फिर ये जो है इन्ना कलामिनमसलिन बिलाशब यकीन रसूलों में से हैं यानी इसकी इन्होंने जो तफसीर बयान की वो ये कि मशरकिन नबी वम की रिसालत में शक करते थे इसलिए आपके रिसालत का इनकार करते और कहते थे कि लस्त मुरसला तू तो पैगम्बर ही नहीं है अल्लाह ने इनके जवाब में कुरान हकीम की कसम खाकर अब आपको ये वाज हो गया ये, ये बात ओपिनियन मिल के कि अल्लाह ने जो कसम खाई है वो उनके जवाब में खाई है मशरकिन मक्का जो थे वो कहते थे तू पैगम्बर नहीं है अल्लाह ने इतनी बड़ी कसम खाई कि मैं हकीम की कसम खा रहा हूँ कि ये पैगम्बर है दिस टेल्स यू ये आपको अल्लाह ताला जिस टोन में बात करे ना उस टोन में आपको कुरान समझाएगा और आपके सामने कुरान का वो मानी सामने आएगा तफसीर पढ़ के जो असल में अल्लाह ताला बात करना चाह रहे हैं तफसीर का मतलब ये कि अल्लाह की क्या मुराद है अदरवाइज़ तो हर बंदा कुरान से कुछ भी मीनिंग ले सकता है हमने ये जानना है कि अल्लाह की क्या मुराद है अल्लाह सुबहाना वताल हमें क्या पैगाम दे रहे हैं तो जब आप तफसीर पढ़ते हैं आप उस चीज़ में डूब जाते हैं आप उस समंदर में डूब जाते हैं उस डेप्थ में चले जाते हैं कि कुरान में एक एक चीज़ कितनी वेल डिज़ाइन है अल्लाह ने हर मौके पे एक बात की हर मौके के मुताबिक की है मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ देखें अब सूर्य अलबकर में बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो लोग को नहीं समझ आते जब वो पढ़ते हैं वो कहते हैं कि यार इसका क्या मीनिंग है तलाक़ के जैसे मसाइल हैं उस हवाले से बहुत अच्छे इन्होंने व्यूज़ दिए हुए जैसे मैं आपको ये एक वर्ष जो है वो सुनाता हूँ और उसके बाद देखें जो वर्ष एब्रोगेट हुई है वो भी उन्होंने बताया कि एब्रोगेटेड एब्रोगेटेड से मुराद है मनसूख शुदा उसकी जगह एक नया हुक्म आ गया वो इन्होंने क्लियरली बताया कौन सा हुक्म मनसूख है और उसकी जगह कौन सा नया हुक्म आ चुका है ये हाफिज़ सलाउद्दीन यूसुफ़ साहब की जो तफसीर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ अच्छा ये जो वर्स है हम ये पढ़ते हैं देखिए ये है आ, वर्स नंबर टू हंड्रेड एंड थर्टी टू वज़ा तक मुन्न फ्ना अजल हन्ना फ़ला तज़ुलू अहना अजवा जन्ना इज़ा तराजो बई नारूफ़ी ज़ालिका यू अज़ू भी मनकाना मिनकुम ये मैं वर्स नंबर टू थर्टी टू पढ़ रहा हूँ

ये कितना कॉम्प्लेक्स मसला है हमारी सोसाइटी में हलाला का जो कंसेप्ट है इस पर कितना डिफरेंस ओपिनियन है मैंने इसीलिए आपको यह वर्ष दिखाई है कि अब इनका एक ओपिनियन है अदीस के मुताबिक अब देखते हैं कि क्या बात कर रहे हैं ये हाशिया नंबर फोर की तरफ मैं आ रहा हूँ इसमें मुतलका औरतों की बाबत एक तीसरा हुक्म दिया जा रहा है वो ये है कि इद्दत गुजरने के बाद इद्दत यानी पहली या दूसरी तलाक़ के बाद अगर सबका खावत बीवी बाहमी रजामंदी से दोबारा निकाह करना चाहें तो इनको मत रोको ये इनका ओपिनियन है और आगे इन्होंने कुछ हदीस कोट की होगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक ऐसा वाक्य हुआ तो औरत के भाई ने इनकार कर दिया जिस पर यह आयत उतरी बुखारी हदीस नंबर मैं आपको ये आयत खुद इंटेंशनली बताई है क्योंकि कुछ ऐसी चीजें कुरान में हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं आपको बगैर तफसीर के बगैर किसी टीचर के बगैर किसी फकीह के समझ नहीं लगेंगी अच्छा अब मिसाल के तौर पे मुझे अभी भी नहीं क्लियर होता कि यार अभी भी बात मुझे समझ नहीं आई क्योंकि हनफी स्कूल ऑफ थॉट कुछ कह रहा है मालिकी शाफ़ी स्कूल ऑफ थॉट कुछ कह रहा है अच्छा लेट मी कॉल माय फेवरेट आलम दीन अभी नहीं करूँगा एक मिसाल दे रहा हूँ मैं क्या करता था डॉक्टर हमाद लखवी साहब हो गए डॉक्टर ज़ुबैर साहब हो गए सबसे ज़्यादा मैं हाफ़िज़ अनस भाई को कॉल करता था मैं अभी हाफिज़ अनस नजर भाई का नंबर मिलाऊँ उन्हें कॉल करूँ कॉल करके कहूँ कि अनस भाई मैं सुरहाल बकरा की वर्ष 232 थर्टी पढ़ रहा था उसमें ये जो जिक्र हुआ है कि अगर कोई औरत जो है वो अपनी इद्दत गुजार लेती है तीन तलाकों के बाद उसके बाद वो अपने प्रीवियस खामत के साथ जाना चाहती है प्रीवियस खामत यानी वो पहले भी मुतलका थी प्रीवियस खामत से दोबारा निकाह करना चाहती है तो फिर क्या है इसके बारे में हुक्म तो ये फिर अनस भाई से मैं पूछूँगा यह जो भी इस आयत में हुक्म हो रहा है मैंने आपके सामने एक मिसाल रखी है आया वो प्रीवियस खामत की बात हो रही है या क्या बात हो रही है उसका पस मंज़र क्या है स्याको सबाक क्या है ये मैं आलम दीन को कॉल करके पूछूँगा एक टीचर का होना बहुत ज़रूरी है वो कोई इमाम हो सकते हैं वो कोई स्कॉलर हो सकते हैं लेकिन स्कॉलर का होना बहुत ज़रूरी है क़ुरान को समझना है तो डेफ़िनेटली स्कॉलर्स की ज़रूरत है हमें यस आज कल बहुत आसान हो चुका है तफासिर भी मौजूद है सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं लेकिन स्टिल बंदे का होता है ना कि मैं किसी से डिस्कस करूं आलम दीन मेरे पास अल्लाह दो से तीन टीचर्स हैं जिनसे मैं हमेशा पूछ लिया करता हूँ कि आप मुझे समझाइए ये बात ज़रा मुझे समझ नहीं आ रही तो ये मैंने ख़ुद आपको इंटेंशनली एक ऐसा हुक्म दिखाया है जो डिफ्रेंस ओपिनियन है जिसके बारे में और जाहिर है कि जो आम आदमी पढ़ेगा तो शायद उसको समझने में मुश्किल हो लेकिन कोई सूरज इतनी सिंपल है जैसे मैं आपको अगर सुरल असर खोल के दिखाऊँ वल अस इंसान लफ़ी ख़ुस अल लज़ीन आमनसवालिया वताबिल हक की वताबिल सब्र इसकी तफसीर भी बहुत छोटी होगी ज़ाहिर है और इसको समझना कितना आसान है इसमें कोई कम्प्लेक्स बात नहीं है वलअ ज़माने की कसम इल इंसान लफ़ी खुस बेशक इंसान खसारे में अल्लांसान कह रहा है तुम सब खसारे में हो सिवाए किन के अल लज़ीन जो ईमान लेकर है यानि ईमान बिल्ला वरसूल वर क़्यामत पे एंजल्स पे यानि ईमान एक ऐसा इंसान के लिए ऐसी चीज़ है कि जो बंदा ईमान ले आता है ख़सारे से बच जाता है ये कितनी सिंसेरिटी से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को बता रहा है वह अमिल उस सवालियात और जो नेक नेकाल करता है यानी लुक एट द टोन ऑफ अल्लाह सुभान व तआला कि वो खसारे से बचाना चाह रहा है हमें हमारा रब और कह रहा है अमल साले करो व तवा सोबिल हक की और एक दूसरे को हक़ की तलकिन करें व तवा सोबिल सब्र और एक दूसरे को सब्र की तलकिन करें इमाम शाफ़ी कहते थे कि अगर सिर्फ ये सूरा ही ले ली जाए और इसको समझ लिया जाए तो कुरान पढ़ने की जो है पूरा का पूरा कुरान इसमें जो है वो आ चुका है इस एक सूरा में तीन वर्सेस की सूरा में ओके जो एक दूसरे को सब्र की तलकिन करते हैं और हक़ की तलकिन करते हैं जस्टिस का पहलू है पेशेंस का पहलू है लाइफ स्किल्स की बात हो रही है लाइफ के टूल्स की बात हो रही है कि हक़ के साथ जिंदगी गुजारो हक़ को फेवर करो इंटलेक्चुअली ऑनेस्ट रहो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्टी की तरह मत जाओ अपनी ख्वाहिशात की पैरवी मत करो कितने पहलू निकलते हैं इसे एक बात से यानी कितना कुछ आप सोच सकते हैं इसे एक बात से और जब तफसीर पढ़ेंगे आपके सामने वो ट्रेजर आएगा तो ये सिंपल है वो अल बकरा कि मैंने ख़ुद आपको एक आयत दिखाई जो जिसके लिए फ़कीह की मदद चाहिए आपको और तफसीर की मदद चाहिए ये सिंपल आपको समझ आ गया लेकिन इसी तरह आप तफसीर भी पढ़ सकते हैं इसकी तफसीर में भी जा सकते हैं तो दिस इज़ सलाहुद्दीन यूसुफ यूसफ़ रहीम दुआ करें फ़ौत हो चुके हैं अल्लाह जन्नत नसीब करें उन्हें उनका सदका जारी है बयान ये है आसनुल बयान ईज़ीली अवेलेबल इन मार्केट ब्यूटिफुल कॉम्प्रिहेंसिव टू द पॉइंट एंड इन वन इसकी जल्द है तो वेरी कंसाइज आई विल सजेस्ट यू दिस हाईली रिकमेंड दिस ओके नेक्स्ट तफसीर बनकसर मैंने आपको दिखा दी uh, सही इंटरनेशनल मैंने आपको दिखा दी अब जरा हम आते हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स की तरफ मैं अब आपको लैपटॉप की तरफ लेकर जाता हूँ अच्छा ये एक फोल्डर मैंने खोला हुआ है लैपटॉप में इसमें देख लीजिए आसनुल बयान ये मेरे पास सॉफ्ट कापी में भी है अहसनुल बयान ये एग्जैक्ट वही है जो मैंने अभी आपको हार्ड कापी में दिखाया है ये देखिए सॉफ्ट कॉपी में जाके मैं सूरल बकरा खोलता हूँ सूरल बकरा ये आपके सामने आ गई और ये आपके सामने सूरल बकरा की अरेबिक है और ये ट्रांसलेशन है और ये तफसीर है जैसे मिसाल के तौर पे लेट्स ओपन एनी रैंडम आया ऑफ सूरल बकरा ओके लेट्स टॉक अबाउट दिस वर्स जी वाइसकुल तुम या मूसा लन नस्बिर अला तामिन वाहिदिन फद उलना रब्बा का यु लना मिम्मा तुम बितुल अर्जु मिम बकली हा व किस्सा ई हा व फूमी हा व अदसी व बसली हा क्या ट्रांसलेशन है और जब तुमने कहा है मूसा हम में हमसे हम, हम से एक ही किस्म के खाने हरगिज़ सब्र ना हो सकेगा इसलिए अपने रब से दुआ कीजिए कि हमें ज़मीन की पैदावार और साग ककड़ी गेहूँ मसूर और प्याज दे आपने फरमाया बेहतर चीज़ के बदले अदना चीज़ क्यों तलब करते हो अच्छा शहर में जाओ वहाँ मैं तुम्हारी की ये सब चीज़ें मिलेंगी अब ये इसकी तफसीर ये नंबर फोर जो आगे लिखा है ये इसकी तफसीर है लेट्स रीड कि नंबर फ़ोर में वो क्या पॉइंट लेकर आते हैं नंबर फोर ये किस्सा भी इसी मैदान ती का है मिसर से मुराद यहाँ मुल्क मिसर नहीं है बल्कि कोई एक और शहर है कोई एक शहर है मतलब ये अच्छा ये मिसर की जो बात हो रही है ना ये शायद यहाँ पर वर्ड्स में कोई ये यस। मिसरण यसू मिसर मातुम यानी इसकी जो ट्रांसलेशन की अच्छा शहर में जाओ अब ये मिसरन से मुराद मिस्र शहर नहीं है बल्कि एक शहर है बस तो मिसर से मुराद यहां एक मिसर नहीं बल्कि कोई एक शहर है मतलब ये कि यहां से किसी भी शहर में चले जाओ और वहां खेती बाड़ी करो अपनी पसंद की सब्जियां दालें उगाओ और खाओ इनका ये मुतालबा चौंका चूंकि कुफ़रान नमत और इस्तार पर मबनी था इसलिए इनके अंदाज़ में इन से इस अंदाज़ में इनसे कहा गया तुम्हारे लिए वहाँ तुम्हारी मतलूबा चीज़ें हैं मुश्किल है थोड़ी सी उर्दू इसकी कभी कभी मैं भी स्ट्रगल करता हूँ लेकिन ये कि अच्छा है आपकी उर्दू भी अच्छी हो जाएगी अगर आप उर्दू में इसकी तफसीर देखेंगे इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे और इंग्लिश में मैंने आपको अभी सॉफ्टवेयर मैंने दिखाने इंग्लिश में मेरी क्या रिकमेंडेशन है इस तरह ही देखें वेरी टू द पॉइंट तफसीर जहाँ पे हदीस के हवाले से तफसीर है वहाँ हदीस का व्यू लेकर आएंगे अब ये देखिए नसारा और नसरान उनकी जमा है इसका मादा नुसरत है आपस में एक दूसरे की मदद करने की वजह से इनका ये नाम पड़ा इनको अनसार भी कहा जाता है जैसा कि उन्होंने हजरत ईसी इस्लाम को कहा था नाहनुसार्ल्ला हज़रतम के पैरोकारों को नसारा कहा जाता है जिनको ईसाई भी कहते हैं तो अनाओ यू नो कि नसारा वर्ड कहाँ से निकला है तो दैट्स हाउ यू विल इनशा नो अब जैसे साबी की जमा ये लोग वो हैं जो यकीन इब्तः किसी दीन हक के पैरों पैर पैरों रहे होंगे इसलिए कुरान में यहूदीत के तो साथ इनका भी जिक्र आया है लेकिन बाद में इनके अंदर फ़रिश्ता परस्ती और सितारा परस्ती आ गई परस्ती आ गई या ये भी किसी दीन के पैरों पे, किसी भी दीन के पैरों ना रहे इसलिए ला मजहब लोगों को साबी कहा जाने लगा ना इन्हों के साबी सबाइन जिन्हें कहते हैं ना इंग्लिश में साबी किन्हें कहते हैं और ये जिक्र किस लिए हो रहा है क्योंकि ऊपर अल्लाह जिक्र किया ये देखिए इन लजीन आमन व लजीन हादू व नसारा व सबइीना मुसलमान हो यहूदी हो नसारा हो या साबी हो जो कोई भी अल्लाह तला परियामत के दिन पर ईमान लाए और नेकअमल करें इनके अजर इनके रब के पास और इन पर ना तो कोई खौफ होगा ना और कोई उदासी कुछ लोग ये वर्ष लेकर आएंगे और आपको कहेंगे कि देखो यहाँ पे पैगम्बरों पे ईमान लाने का जिक्र नहीं है इसलिए वो नॉन मुस्लिम जो तोहहीद में हैं यानी एक क्रिश्चन अगर एक गॉड पर बिलीव करता है और फ़िक्र आखिर यानी क्यामत के डे ऑफ जजमेंट पर बिलीव करता है और अच्छा इंसान है तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि वो कलमा पढ़े या नबी सल वसम पर ईमान लेकर आए अब इस गलत फहमी का अजाला जो है वो तफसीर में करते हैं बाज़ अब देखिए ये ये व्यू आ रहा है बाज़ जदीद मुफसरीन को इसत का मफून समझने में बड़ी गलती लगी है और इससे उन्होंने वहदत यानी यूनिटी ऑफ ऑल फेथ्स का फलसफा कशीद करने की मज़मून सही की है यानी रिसालत मोहम्मद पर ईमान लाना जरूरी नहीं है बल्कि जो भी जिस दीन को मानता है उसके मुताबिक ईमान रखता है और अच्छे अमल करते हैं इसकी निजात हो जाएगी ये गलत फ़हमी है अकॉर्डिंग टू हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसफ़ उन्होंने अपना व्यू दिया और तफसीर से फिर साबित करेंगे ये कि ये बात क्यों गैर मुनासिब है गलत है कि मोहम्मद सर वल्लम पर ईमान लाना फ़र्ज़ नहीं है इसीलिए देखें कलमा ज़रूरी अर ला व अशद महमदा व रसूल माई पॉइंट इज़ कि कहीं पर आप कन्फ्यूज़ हो जाए या कोई आपको कुरान की वर्स कोट करके गुमराह करने की कोशिश करे कि देखो कुरान में ये वाक्य आया ना उसका मतलब ये है तो फ़ौर तफसीर की तरफ जाए उससे डिसीव ना हो सारे लोग कुरान कोट करते हैं आपको तो कल को कोई भी कुरान कोट कर देगा आप क्या करेंगे आप मान लेंगे फ़ौरन से नहीं यू हैव टू यूज़ योर इंटेलिजेंस आए रिसर्च करें देखें कि इसका मीनिंग क्या है और ऑथेंटिक तफसीर की तरफ आए ओके दिस इज़ वाई आई एम टेलिंग यू ये तफसीर माशा मेरे नज़दीक बहुत ऑथेंटिक है और ये इस गलत फहमी का अजाला भी कर रही है और आगे उन्होंने समझाया है कि ये बात क्यों दुरुस्त नहीं है ओके okay सो यस असनल बयान मैंने आपको दिखाई इसी तरह लेट मी शो यू तफहीमुल कुरान सैयद मदूदी मैंने आपको कहा तफहीमुल कुरान मैं कब इस्तेमाल करता हूँ जब भी आ, मुझे माशरती पहलू देखना होता है मुझे कुरान की इम्प्लीकेशन देखनी होती है एक तो है ना तफसीर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया साहबा ने बता दिया इस वर्स का ये मतलब है उसके लिए तफसीर बिन कसीर उसके बाद ये देखना है कि अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है या इससे क्या क्या मजीद एंगल मुझे किस एंगल से देखना या क्या क्या मज़ीद पॉइंट मुझे पता लगता है और हमारी सोसाइटी को मद्देनज़र रखते हुए कैसे अब इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करें फॉर दैट आई टर्न टू तफीम तफीमल कुरान ये मेरे पास पी डी एफ फॉर्मेट में है लेट मी ओपन माई मोस्ट फेवरेट सूरा सूरा यूसफ जो मैंने मौलाना मदूदी की कुरान की बस में पढ़ी थी डेवो बस में मैं अपनी यूनिवर्सिटी जा रहा था अपने शहर से और मैंने सूर्यफ की तफसीर छः घंटे के सफर में पढ़ी मैं कहता हूँ कि दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज ऑफ माय लाइफ सूर्यफ ने रुला दिया था मुझे तो ये सूर्य यूसफ़ की अच्छा मौलाना मदूदी की तफहीम की बेस्ट बात यह भी है कि वो हर सूर्य के शुरू में उसका ज़माना नजूल उसका सबब नजूल बताते हैं जो अभी मैं आपको एक सॉफ्टवेयर में भी दिखाऊँगा और मैं जब भी कोई सूर्य पढ़ने लगता हूँ देखें ये मेरे सामने एक सॉफ्टवेयर खुला हुआ है द नोबल कुरान ये आप देख सकते हैं सही इंटरनेशनल इंग्लिश ट्रांसलेशन ये सॉफ्टवेयर में अगर आप लेफ्ट पे देखें तो सारी सूरज हैं अगर किसी भी सूर पे आप क्लिक करें ये देखिए इन्होंने क्या लिखा है द अरबिक इन दिस प्रोग्राम इज यूनिक इन दैट इट इज क्लियर लार्ज एंड ईजी टू रीड इट इंक्लूड सूरा इंट्रोडक्शन बाई सैयद अबूल आला मदूदी ये जो मैंने आपको मदूदी साहब की तफीमुल कुरान दिखाई ना इसमें देखें सूरा यूसफ ज़माना नजूल और सबब नजूल फिर मकासद नजूल है तो ये इनका ख़ासा है मौलाना मदूदी का कि इन्होंने सूर्य की एक थीम बता दी शुरू में अगर कोई पूरी सूर नहीं भी पढ़ेगा और सिर्फ इस इंट्रोडक्शन को गो थ्रू कर लेगा उससे एटलीस्ट ये पता लग जाएगा कि सूर में क्या क्या है अब देखिए किस खूबसूरती से इन्होंने बयान किया है जैसे मैं अब सूर यूसफ यहाँ से खोलता हूँ इस सॉफ्टवेयर से इस सॉफ्टवेयर का नाम है द नोबल कुरान सही इंटरनेशनल कहां से डाउनलोड हो सकता है लेट मी रेफर यू टू द द वेबसाइट वेबसाइट नेम इज ईमान स्टार डॉट कॉम ये लेफ्ट में डाउनलोड्स में द नोबल कुरान है तफसीर बिन कसीर है, बिन वलीद में बुक है हदीस द नोबल कुरान पे जब आप जाएंगे मैं क्लिक करता हूं आपके सामने द नोबल कुरान पे मैंने क्लिक किया ये द नोबल कुरान डॉक्टर मोहसिन खान और तकी हिलाली की ट्रांसलेशन है ओके दिस वन और ये देखिए ये आपके सामने इस वक्त उसका एक स्क्रीन शॉट है ठीक है जी ये देखिए मैंने आपको कहा था कि डॉक्टर मोहसिन खान की जो ये ट्रांसलेशन है उसमें ब्रैकेट में कुछ चीजें लिखी होती हैं अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह रब आलमीन की ट्रांसलेशन क्या है ऑल द प्रेजेज एंड थैंक्स बी टू अल्लाह द लॉर्ड ऑफ द आलमीन आलमीन के आगे ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है मैन का एंड जेंड ऑल एग्जिस्ट ये तफसीर कुरतबी है आपको जो भी चीज़ ब्रैकेट में नजर आएगी डॉक्टर मोहसिन खान की ट्रांसलेशन में तफसीर कुतबी और तफसीर बिन कसीर में से होगी ओके यानी वो एक शॉर्ट उन्होंने तफसीर करके मसले को बयान किया कि इससे मुराद जो है वो क्या है अच्छा ये है डॉक्टर महसिन खान का मैंने आपको दिखाया अब मैं आपको दिखाता हूँ इसी में नोबल कुरान में आप आगे जाएंगे तो सही इंटरनेशनल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अच्छा ये फॉर सम रीज़न अभी वो पेज नहीं खुल रहा है बट जब आप ये नोबल कुरान पे क्लिक करेंगे ना आपके सामने सॉफ्टवेयर खुल जाएंगे ठीक है ये सॉफ्टवेयर भी आप कर सकते हैं जो अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ सही इंटरनेशनल का और इसी तरह मेरे पास दूसरा सॉफ्टवेयर आई एम नॉट श्योर है कि नहीं डॉक्टर मोहसिन खान वाला अभी नहीं है लेकिन ये वाला मेरे पास है ऑलमोस्ट सेम है लेकिन ट्रांसलेशन बस डिफरेंट है सॉफ्टवेयर की वर्किंग सेम है अब देखें मिसाल के तौर पे इसमें सर्च का फंक्शन भी है कोई चीज़ सर्च करनी है आपने आप सर्च कर सकते हैं जैसे लाइफ मैं अभी लिख रहा हूँ लाइफ लाइफ अच्छा ये सारे रेफरेंसेस खुल गए लाइफ के हवाले से जहाँ जहाँ वर्ड लाइफ यूज़ हुआ है अब मैं सूरह जुमर खोलता हूँ यहाँ लाइफ कहाँ है ओके सो अल्लाह मेड दम टेस्ट डिस्क्रेस इन वर्ल्डली लाइफ बट द पनिशमेंट ऑफ़ द हेयर आफ्टर इज़ ग्रेटर इफ़ दे न्यू इसी तरह वर्ल्डली लाइफ मैं लिख रहा हूँ वर्ल्डली लाइफ अब मैं देखता हूँ कि वर्ल्डली लाइफ कहाँ पर बात हुई है अच्छा अल्लाह एक्सटेंड्स प्रोविजन फॉर होम ही विल्स एंड इट एंड दे रिजॉइस इन द वर्डली लाइफ वैल द वर्ल्डी लाइफ इज नॉट कम्पेयर टू द हेयर आफ्टर एक्सेप्ट ब्रीफ इंजॉयमेंट ये मैंने सर्च किया वर्ल्ड लाइफ आया ये आयत है अल्लाह यब सुतु रिज का लिमई यशाऊ व यक दू व फ़री हो व फ़री बिल हयात दुनिया व मल हयातु दुनिया फ़िल आखिरत इल्ला मता ये वर्स खुल गई मेरे सामने तो ये सर्च का फंक्शन भी है फेवरेट्स भी है मैं फेवरेट्स में भी डाल सकता हूँ कंटेंट्स की तरफ वापस आता हूँ मिसाल तौर पर सूर्य बकरा सूर्य अलबरा ये मौलाना मदूदी का इंट्रोडक्शन है इस सॉफ्टवेयर में कौन सा सॉफ्टवेयर है द नोबल कुरान कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ईमान स्टार डॉट कॉम ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ वाय द नेम अलबकर ये आ गया सीक्वेंस आ गया इट इज़ अ मदनी सूरा ठीक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आ गया बहुत ज़बरदस्त आपको क्लियरेंस हो जाएगी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है अच्छा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद थीम आ गई थीम है इसकी गाइडेंस टॉपिक्स आ गए टॉपिक्स एंड देर इंटरकोनेक्शन फॉर एग्जांपल वन से ट्वेंटी वर्ड्स तक ये देखें कितना ज़बरदस्त अंदाज़ में इन्होंने बताया हुआ है कि बिलीवर्स डिसबिलीवर्स और हिपोक्रिट्स की बात हुई है कि तीनों की क्या खसलतें होती हैं हिपोक्रिट्स मुनाफकिन है डिसबिलीवर्स है, हुए हैं जो रिजेक्ट कर दें ट्रुथ को बिलीवर्स हुए हैं जो ईमान मान लें इन तीनों की खसलतें क्या होती हैं अल्लाह ने पहली बीस में बताई हैं अगली 21 से उनतीस जो वर्सेस हैं उसमें अल्लाह व तआला इनवाइट करते हैं मैन काइंड को गाइडेंस की तरफ और इसमें जाहिर है कि अल्लाह ताला आ, की ग्रेटनेस के बारे में बातें हैं और फिर वर्स 30 टू तो 39 आदम आदम आम का किस्सा है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ ओके आई होप इट्स विजिबल इन कैमरा ये आदम आलाम की स्टोरी है वर्स थर्टी टू थर्टी नाइन उसके बाद आगे चलें तो वर्स फोर्टी से वर्स वन टवेंटी किस चीज़ की बात हो रही है बनी इसराइल की बात हो रही है और उसके बाद जूज की कुछ मिस्टेक्स की बात हो रही है जो उस दौर के जूस जाहिर है उनकी जो मिस्टेक्स थी किबला की डायरेक्शन चेंज की बात हो रही है और उसके बाद वर्स 142 टू 152 चेंज ऑफ किबला डिटेल में डिस्कस हुआ है और उसके बाद वर्स 153 टू 121 क्या थीम टू फिफ्टी वन वर्स वन फिफ्टी टू फिफ्टी क्या थीम है वो सारी है यानी माई पॉइंट ऑफ शोइंग यू दिस इज़ कि मौलाना मदूदी ने कितनी मेहनत करके र्सेज को वर्सेस को थीम वाइज डिफाइन किया है अब जैसे मैं आपके सामने एक और सूरह चलें तोबा खोल के दिखाता हूँ ये देखें इसमें भी वर्स वन टू वन थर्टी सेवन में क्या डिस्कोर्स है वर्स थर्टी एट टू सेवेंटी टू में क्या डिस्कोर्स है वर्स सेवेंटी थ्री टू वन ट्वेंटी नाइन में क्या डिस्कोर्स है ये इन्होंने बताया ठीक है इस तरह हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सूरह तोबा का कॉन्क्वेस्ट ऑफ अरेबिया कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का का जिक्र किया यहाँ पे सो इट ऑल बिकम सो क्रिस्टल क्लियर टू यू कि कुरान के खास चैप्टर की क्या थीम है और इस तरह आपको याद भी रह जाएंगे उनके मौजूद तो दिस इज़ अ वंडरफुल सॉफ्टवेयर द नोबल कुरान और जहाँ पे मैं समझता हूँ कि आपको ज़रूरत पड़े कि मैंने अच्छा कोई चीज़ समझ नहीं आ रही मुझे अब तफसीर पढ़नी चाहिए तो तफसीर खोल लें तफसीर बिन कसीर आपके पास हो मौलाना मदूदी की तफीम्लर आपके पास हो आपदी यूसफ की तफसीर आपके पास हो अच्छा मैंने आपको मौलाना मदूदी की कमिंग बैक टू कुरान ये तफीम है ये देखें इसमें इन्होंने नक्शा भी दिखाया हुआ है कि नक्शा किस्सा यूसफ़ सलाम इसी तरह ये कुरान की वर्सेस हैं ये ट्रांसलेशन है और नीचे उनकी ये इस तरह से तफसीर है मौलाना मदूदी का ओपिनियन है बेसिकली इल्मी तफसीर, तफसीर बिन कसीर है, याद रखें और अगर आपने आ, इम्प्लीमेंटेशन को बहुत अच्छे से समझना है तो यस मौलाना मुदूदी मैं रेफ़र कर रहा हूँ इस हवाले से इस हवाले से ओके इसी तरह देखिए मेरे पास तफसीर बिन कसीर है ये उर्दू में आपको नज़र आ रही है जेल्द ही मैं खोल रहा हूँ तफसीर बिन कसीर कैन बी इजीली डाउनलोडेड फ्राम किताब सुसन्नत डॉट कॉम यहाँ और भी बहुत सी तफासिर है बट तफसीर बिन कसीर डिटेल इन उर्दू ये देखिए कितना अच्छा इन्होंने कॉन्टेंट्स में मौजू के मुताबिक देखें तफसीर सूरा रात ये मौजू हैं कि हर वर्ष का एक ख़ास मौजू है या कुछ ग्रुप ऑफ वर्सेस का एक खास मौजू है जैसे अल्लाह ताला की नाजिल करदा तमाम बातें हक़ हाँ हैं ये पहला मौजू है आसमान और अर्श की तखलीक ये दूसरा मौजू अल्लाह ताला की कुदरत कामला कामलादरत कामला का बयान ये तीसरा मौजू है इनकार्यामत का बयान ये चौथा मौजू है अजाब का वक्त मुकर है ये पाँचवां मौजूद है हिदायत अल्लाह के इख्तियार में ये है ये छठा मौजू सो ऑन एंड सो सोफो तफसीर सूर् रत इसी तरह आप ये देखें ये इसका स्टाइल है ये वर्ष है ये इसकी ट्रांसलेशन है और नीचे ज़ाहिर कि मौजू के मुताबिक ये देखिए बरदरान यूसफ़ का मायूसी के बाद मशा है मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ ताकि मज़ीद हमारे सामने क्लियर हो ये देखिए ये टॉपिक है बरदरान यूसफ़ का मायूसी के बाद मश्रा ये आयत अस्सी से आयत बयासी में डिस्कस हो रहा है और ये उसकी तफसीर बायदा उन्होंने बयान की है और अदीस भी कोर्ट करेंगे साहबा के ओपीनियन भी लेकर आएँगे ठीक है ये इनका स्टाइल है इमाम बबन कसीर का दैट्स वाई दिस इज़ एन इलमी तफसीर इट्स वेरी ओथेंटिक तो ये तफसीर बिन कसीर भी आपने देखा मेरे पास उर्दू में पड़ी हुई है पी डी एफ फॉर्मेट में तफसीर सादी भी है ये तफसीर सादी देखिए ये तफसीर सादी ये भी किताबोसन्नत डॉट कॉम से आपको मिल जाएगी ये भी बहुत ज़बरदस्त तफसीर है ऑथेंटिक है टू द पॉइंट है लेकिन ये कि मैं तफसीर बिन कसीर की तरफ़ रेफ़र करता हूँ ज़्यादा हाफिज़ अलाद्दीन यूसफ़ की बयान एहसन अल्यान हो गया और मौलाना मदूदी की तरफ फिर ये इंग्लिश में ही मेरे पास है अच्छा इसी तरह इस्लाम 360 में भी माशाल्लाह ये तमाम तफसीर आपको मिल जाएंगी वेरी गुड ऐप इस्लाम 360। अच्छा कभी इंग्लिश में किसी ने पढ़ना है तो क्यू तफसीर एम डॉट क्यू तफसीर डॉट कॉम यह आपके सामने है यहाँ देखिए ये भी तफसीर बिन कसीर है बेसिकली जैसे लेट्स ओपन सुरबकर सुरयल बकरा ओपन की

Some linguists also stated that they are letter of the alphabet and that Allah simply did not cite the entire alphabet of 28 letters. For instance, they said one might say, my son recites. अब ये जितनी भी बात हो रही है हो सकता है कुछ को समझ ना लगे ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ चलें सपोज कर लें आपको नहीं समझ लग रही अरे क्या बात हैं? तो एक स्कॉलर को कॉल लगा लें या कोई और तफसीर की तरफ चले जाए मौलाना मदूदी की तफहीम खोल कर देखें रूफ़ मुकतात की डिस्कशन ओके सो so, इट्स ऑल अबाउट योर स्ट्रगल अल्लाह ताला के दीन को समझने में जितनी आप स्ट्रगल करेंगे उतना रिवॉर्ड भी है उतनी तस्कीन भी मिलेगी उतना आप दीन को सीखेंगे भी दूसरों को भी सिखाएंगे हम हर चीज़ में स्ट्रगल कर लेते हैं लेकिन थोड़ा सा हमें कहीं कुरान समझने में स्ट्रगल करनी पड़े तो हम हिम्मत हार जाते हैं तो हिम्मत नहीं हारनी है आपने स्ट्रगल करनी है सीखना है कुरान को जो समझ नहीं आ रही उसको आपने फाइंड आउट करना है तो ये क्यों डॉट तफसीर एम डॉट क्यू तफसीर डॉट कॉम ये मैंने आपको वेबसाइट भी दिखा दी इसकी तरफ मैं रेफ़र करता हूँ और सिंपली अगर आपने कुरान डॉट कॉम में आपको खोल के दिखाता हूँ यहाँ पे कितनी ट्रांसलेशन है ये देखिएगा यहाँ पर मैं जाता हूँ सॉरी यहाँ पर नहीं इसका एक और फंक्शन होगा मैं कोई सूरा चले पहले कोई सूरा खोलता हूँ uh, सूरह जुमर चले मैं खोलता हूँ चैप्टर थर्टी नाइन सूर्य जुमर मैंने ओपन की अब ये साइड पे देखिएगा प्ले का बटन है कॉपी का बटन है तफसीरस का बटन है ये मैंने जब इस पर तफसर पर जब मैंने क्लिक किया तो ये इंग्लिश ठीक है इंग्लिश तफसर अब ये जाहिर है कि इंग्लिश तफसीर इंग्लिश मुख्तसर तफसीर आ जाएगी इसी तरह आ, नीचे हम जाएँ तो ट्रांसलेशन भी डेफिनेटली ट्रांसलेशन भी होंगी मुख्तलिफ ट्रांसलेसन्स यस हेयर वी गो ट्रांसलेशन पर अगर मैं क्लिक करूँ ओके okay. ये थोड़ा सा इन्होंने सेटिंग्स चेंज की हैं यस हेयर वी गो सेटिंग्स में जाएंगे हम चूज ट्रांसलेशन अब यहाँ पे देखें इंग्लिश कितनी ज़्यादा आ रही सही इंटरनेशनल तकीयुद्दीन हिली अब्दुल हलीम मुफ्ती तकी उस्मानी डॉक्टर गाली मोहसिन खान सो यू कैन कंपेयर डिफरेंट ट्रांसलेशंस कभी कभी आप एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स देखना चाहते हैं कि आ, किस ट्रांसलेटर ने क्या उसकी जो है वो तफसीर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ मैंने एक दफ़ा देखना चाहा कि यार ये इसकी मुख्तलिफ ट्रांसलेटर्स ने क्या ट्रांसलेशन की है चले अल्हासुर या वुल्ली कुल्ली हुमाजतिन लुमाजा ये ये वाली मैं आपको दिखाता हूँ वही कुल्ली हुमाजतिन लुमजा इट इज चैप्टर नंबर जस्ट गिव मी सम टाइम अल हियर वी गो वही कुल्ली हुमाजतिन लुमाजा uh, अब ये जो आपके सामने ट्रांसलेशन आ रही है ये किसकी है डॉक्टर मुस्तफ़ा खत्ताब द क्लियर कुरान ट्रांसलेशन का नाम है इन्होंने हुमजा और लुमाजा ये जो वर्ड है ना एंड लुमजा हुमजा की ट्रांसलेशन की है स्लेंडर लुमाजा की ट्रांसलेशन की है बैक बाइटर अब मैं कंपेयर करना चाहता हूँ कि बाकियों ने क्या किया लेट्स ओपन ट्रांसलेशन में जाऊँगा सही इंटरनेशनल पर टिक किया डॉक्टर मोहसिन खान पे टिक किया अब्दुल हलीम पे टिक किया जो कि कुछ फेमस हैं मुफ्ती तकी उस्मानी पे टिक किया तफीमुल कुरान पे टिक किया चले यूसुफ अली को भी देख लेते हैं इन पे टिक किया ठीक है जी टिक हो गया आप ज़रा इधर आ जाए लुक एट दिस सब की आ गई एक ने कहा है वो टू एवरी स्लेंडर एंड बैक बाइटर एक ने कहा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा वो टू एवरी बैक बाइटर एंड डिराइडर वो टू एवरी फॉल्ट फाइंडिंग बैक बाइटर देखें मौलाना मदूदी ने थोड़े और अंदाज से वो टू एवरी फॉल्ट फाइंडिंग यानी बंदा छोटी छोटी फॉल्ट लोगों की तलाश करता है और उन फॉल्ट को पकड़ लेता है फिर लोगों को ताने देता है कितनी खूबसूरत चीज़ आपके सामने वाज फाइंडिंग बैक बाइटर अच्छा अब्दुल हलीम ने भी कहा वो टू एवरी फॉल्ट फाइंडिंग बैक बाइटर यूसुफ अली ने कहा वो टू एवरी काइंड ऑफ स्कैंडल मॉन्गर एंड बैक बाइटर तो उन्होंने स्कैंडल मॉन्गर का जिक्र किया अच्छा सही इंटरनेशनल में आ जाए तो वो टू एवरी स्कॉर्नर एंड मॉकर इट मेक्स इट इवन मोर सिंपल स्कॉर्नर कौन होता है मॉर्नर कौन होता है लेट्स सी स्कॉर्नर से क्या मुलाद है जी स्कॉर्नर का मतलब है पर्सन हुक्सप्रेस कॉन्टेम्प्टर डिस्टेंट फॉर सम और समथिंग यानी जो हर वक्त किसी में फॉल्ट फाइंड करे और उनकी फॉल्ट फाइंड करके उन्हें स्कॉर्न करे उन्हें डिसलाइक करे और मॉकर ऑब्वियसली मॉकर इज समन हु मॉक्स हु लाइक्स टू मॉक और ये आज के दौर में जो रोस्टिंग कल्चर चल चुका है कि हर एक को पकड़ो और उसको रोस्ट करके रख दो और लोगों को हंसाओ रोस्ट करके दे शुड टेक हीट फ्रॉम दिस वर्स वो टू एवरी स्कॉर्नर एंड मॉकर बैक बाइटर भी है मॉकर भी है स्कॉर्नर भी है डिराइडर भी है फॉल्ट फाइंडर भी है ये सारी बातें आपको मुख्तलिफ ट्रांसलेशन से पता लग रही हैं देखें मैंने सारी ट्रांसलेशन खोल के आपको कंपेयर कराया कुरान पढ़ना कितना आसान हो चुका है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कितनी नीमते हैं अल्लाह की हमारे पास इंटरनेट है हमारे पास टाइम है मैं हैरान होता हूँ वो लोग कहते हैं हमारे पास कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है टू द पॉइंट बात बताएँ जो घर बैठ के पाँच पाँच घंटे नेटफ्लिक्स की टी सीरीज़ देखते हैं जो अर्तक रोल देखने पे आए तो अर्तक रोल वैसे मुझे भी पसंद है इस पे पूरा हमने एक शो किया है बहरहाल मैं एक चीज़ कंपेयर कर रहा हूँ कि जो अर्तक रुल देखने पे आए तो 10 10 एपिसोड दिन में देख जाएँ लेकिन कुरान की जब बात है तो कहें हमारे पास टाइम ही नहीं है जस्ट अ कम्पेरिजन इसी तरह जो YouTube वीडियोस देखने में तो कितना टाइम ज़ाया करते हैं स्क्रॉल करते जाएं ब्रांड्स देखते जाएं मतलब कितना हम टाइम वेस्ट करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में ब्रांड्स देखने में पेजेस देखने में इंस्टा देखने में लुक एट दिस अल्लाह ने कितना आसान कर दिया कुरान पढ़ना एक एक चीज़ आप कंपेयर कर सकते हैं उस ख़ज़ाने को पा सकते हैं आप उस समंदर में डुबकी लगा सकते हैं कितना विजडम आपको मिलेगा सोचें कि क्या कहाँ कहाँ से आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होगी कुरान आपके दिल को छू जाएगा आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे लेकिन टाइम निकालना स्ट्रगल करनी सारी सोर्सेज आपके सामने क्या जवाब देंगे आप अल्लाह को कल क्यामत वाले दिन कि अल्लाह मैं नहीं पढ़ सका आज के दौर में इंटरनेट के दौर में मैं कुरान नहीं सीख सका मैं नहीं पढ़ सका वट इज़ योर आंसर स्पेशली मैं यूथ से मुखातिब हूँ क्या कब्र में आप आपके आंसर करेंगे जाके कि नहीं मेरे पास टाइम ही नहीं था मैंने नावल्स पढ़ लिए हैरी पॉटर पढ़ लिया लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सब कुछ मैंने पढ़ लिया लेकिन ये सब कुछ मेरे सामने था वेबसाइट्स मेरे सामने थी अपरचुनिटीज़ मेरे सामने थी मैं नहीं पढ़ सका मैनअल ही नहीं पढ़ सके आप अपना अल्लाह आपसे क्या चाहता है अल्लाह आपको क्या कह रहा है वो ही नहीं पढ़ सके आप कितना बड़ा लॉस है कितना बड़ा लॉस है किसी दौर में ब्रदर एंड सिस्टर्स जाना पड़ता था दूर चल के किसी शेख को किसी स्कॉलर को जाकर पकड़ना पड़ता था पकड़ने से मुराद है उनकी क्लासेस में बैठना पड़ता था सीखना पड़ता था सब कुछ अवेलेबल है जो नहीं समझ आया स्कॉलर को कॉल लगाएं स्कॉलर्स की महफिल में जाएस स्कॉलर से भी सीखें जाके मैं मना नहीं कर रहा वो तो बहुत ही अफजल दर्जा है क्योंकि स्कॉलर्स की महफिल में, में जाके कुरान पढ़ना उसकी एक अलग ही फीलिंग है एक अलग ही एनर्जी है लेकिन इस सब चीजें मैंने आपको दिखा दी इसके बाद कोई जवाब नहीं बनता इसके बाद कोई बहाना नहीं बनता कसम से वी विल बी विल्ड अबाउट दिस आई एम टेलिंग यू दिस तो ये कुरान डॉट कॉम अमेजिंग वेबसाइट यू कैन कंपेयर डिफरेंट ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान थ्रू दिस यू कैन गेट सो मच नॉलेज बहरहाल टू वाइंड इट अब ब्रदर सिस्टर्स देखें मेरा आज का पर्पस था आपको एक गाइडलाइन देना है कुरान किस तरह से पढ़ना है मैं रिपीट करता हूँ सबसे सिंपल तरीका ये कि आप कुरान की सिंपल ट्रांसलेशन खोलें पढ़ना शुरू कर दें सॉफ्टवेयर खोलें रोज़ाना पढ़ें सॉफ्टवेयर से पढ़ें मुसहफ़ चाहते हैं ये इससे पढ़ लें ठीक है सिंपल ट्रांसलेशन पढ़ें जहाँ पे अटकें वहाँ पे ये एहसोनल बयान सही आदीस की रोशनी वहाँ पे जाके उसकी तफसीर देख लें वहाँ से भी ना समझ आए किसी को कॉल लगा लें मजीद उसकी तफसीर में उसकी डेप्थ में डूबना चाहते हैं तो फिर तफसीर बिन कसीर इंग्लिश में टेन वॉल्यूम्स हैं उर्दू में फ़ाइव वॉल्यूम्स हैं वो भी मैंने आपको दिखाई तफीमुल कुरान मौलाना मदूदी की है वो भी आप देख सकते हैं तो कुछ मुश्किल नहीं है अब मैं आपको लास्टली बस सिर्फ एक मिसाल दूँगा कि तफसीर बिन कसीर जो है इसका स्टाइल मैं आपको दिखाऊँगा ये मैं खोलने लगा लगाऊँ सूरह नून ओके चैप्टर सिक्सटी एट उनतीसवें पारे में सुरह मुल्क के बाद सुर नून है रहीम. नून. आउज़िल्लिस्मिल्लर वमा यस्तरून मा अन इन, ट्रांसलेशन नून द पेन एंड बाय वट दे यस्तूर से क्या मुराद वील कम टू इट यू बाय द ग्रेस ऑफ योर लॉर्ड आर नॉट इन सैन एंड वेरली फॉर यू रिवॉर्ड दैट इज़ नॉट ममनून क्या मतलब है देखिए पहले नून का जिक्र आ गया कि नून हरूफ मुकता में से फिर द एक्सप्लेशन ऑफ द पेन आ गया क्योंकि वल कलम का ज़िक्र है ना कलम पेन से क्या मुराद है कंसर्निंग अल्लाह स्टेटमेंट वल कलम बाय द पेन द अपेरेंट मीनिंग इज दैट दिस रेफर्स टू द एक्चुअल पेन दैट इज़ यूज टू राइट इट इज़ द पेन दिस इज़ लाइक अल्लाह सेंग वरब्बुक अक्रम रीड एंड योर लॉर्ड इज़ द मोस्ट ग्रेशियस अलजी अलमा बिलकलम हुजॉट बाय द पेन

एंजल्स की बात हो रही कि जो वो लिखते हैं सर्वेंट्स के डीड्स जो है वो रिकॉर्ड करते हैं साबित हो गया कि राइटिंग से यहाँ पे क्या मुराद है तो ये स्टाइल है इब्ने कसीर का इब्ने अभी हातिम रिकॉर्डेड फ्रॉम अलिद इब्ने उबैदा बिन उबैदा बिन असामिद दैट ही सेड माय फादर कॉल्ड फॉर मी व्हेन ही वाज डाइंग एंड ही सेड टू मी वेरी आई वेरीली आई हर्ड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वेरीली द फर्स्ट ऑफ व्हाट अल्लाह क्रिएटेड वाज द पेन एंड ही सेड टू इट राइट द पेन सेड ओ माई लॉर्ड व्हाट शैल आई राइट ही सेड राइट द डिक्री एंड वट एवर विल थ्रू आउट इटर्टी साबित हो गया कि यस इससे इस, इस पेन से मुराद वो पेन भी हो सकता है जिस जिसको अल्लाह ने हुक्म दिया था क्रिएट करके कि सब कुछ लिख दो और फिर उसकी बहुत अच्छी डिस्कशन इंटरेस्टिंग डिस्कशन आगे आती है ओके फिर ये द्लेन ऑफ द स्टेटमेंट वेरअली यू आर ऑन एन एग्जॉल्टरेक्टर व इन नकल अला खलूकिन अज़ीम नबी अक्रम सल वसम के करेक्टर की बात हो रही उसकी तफसीर डिटेल में उसका बयान आ जाएगा तो ये देखिए ये ना एक स्टाइल है तफसीर बिन कसीर का कि सहाबा के ओपिनियन अहदीस से जो है वो जाहिर है तफसीर वाजे की और इस तरह फिर डिटेल में बताया कि क्या मतलब है इन वर्सेस का दैट्स वाई आई ऑलवेज़ रेफ़र टू तफसीर बिन कसीर आप थे देखिए इसी तरह अगला टॉपिक आ गया प्रोहिबिशन ऑफ गिविंग इन टू द प्रेशर ऑफ द डिसबिलीवर्स एंड देयर सजेशन एंड दैट दे लाइक टू मीट इन द मिडल ऑफ द पाथ अब ये कोई उठा के आपको कहे कि देखो जी कुरान में के नॉन मुस्लिम की सजेशंस ना लो कहाँ लिखा है नॉन मुस्लिम की सजेशन ना लो ये बात उन डिसबिलीवर्स की हो रही है जो अल्लाह के नबी से के रास्ते में रुकावटें डालते थे जो गुडनेस के दुश्मन है जो नहीं चाहते कि गुडनेस प्रिवेल करे इक्वालिटी हो जस्टिस हो इक्विटी हो जो इंसानियत के दुश्मन है बेसिकली उनकी यहां पर बात हो रही कि उनकी सजेशन ना माने चाहे वो जितने मर्जी मीठे अंदाज में बात करें उनके प्रेशर में ना आए

ऑल्सो मीन स्लैंडर एंड हमास का मतलब अ स्लैंडर फिर इसका क्या मतलब है गोइंग अबाउट विद नमीम बी नमीम दिस पीपल अमंगीगेटिंग डिस्कॉर्ड बिटवीन दैम एंड कैरिंग टेज इन ऑर्डर टू करप रिलेशन बिटवीन पीपल वैन दे आर गुड एंड प्लेजेंट कुरान ने उस बंदे को कंडेम किया है बी नमीम को नमीम कौन है वो बंदा जो लोगों के इर्द गिर्द जाता है डिस्कॉर्ड फैलाता है बातें फैलाता है बदगुमानियाँ फैलाता है कितनी असलाह होती है कुरान पढ़ के ये मैंने आपको एक मिसाल दी है कुरान खजानों से भरा हुआ है कुरान की डेप्थ में जो बंदा डुबकी लगा देता है वो फिर वैसा नहीं रहता जैसा हुआ है दैट पर्सन कम्स आउट टू बी अ रियल चेंज मेकर अ रियल द रियल ह्यूमन बीइंग जो ही और शी सपोज टू बी ओके सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ये एपिसोड में मैंने आपको बताया कि कुरान किस तरह से पढ़ें अप्रोच क्या होनी चाहिए हर चीज़ आपको दिखाई एवरी थिंग इज़ अवेलेबल अब एक्सक्यूज़ेज़ज़ज़ कोई नहीं रह जाते अब वो बहाने नहीं है कि नहीं जी कुरान तो समझ नहीं आता मुश्किल ही बहुत है या किसका पढ़ूँ जाके दीज आर जस्ट एक्सक्यूज़ किसका पढ़ूँ जाके हर चीज़ आपके सामने मुख्तलिफ ट्रांसलेशन आपके सामने समझने की कोशिश तो करें ना ये सवाल बाद की बात है कि तफसीर किसकी पढ़ूँ तफसीर बिन कसीर फिर वारियत से बरी सबका इस पर है दिस इज़ दी ऑथेंटिक तफसीर पढ़ें समझें घर वालों के साथ पढ़ें कुरान विल ट्रांसफॉर्म यू कुरान विल सेट यू फ्री प्लीज़ दिस इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग दैट मैटर्स नॉलेज ऑफ अल्लाह अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं कुरान में क्या है दिस इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग दैट शुड मैटर इन योर लाइफ थिंग्स दैट मैटर में ये मेरी तरफ से आपको आ, सबसे बड़ा मैसेज है कुरान को समझें अल्लाह की मार्फ़त हासिल करें अल्लाह ताला के बारे में जानें अल्लाह के मैसेज को समझें

सवाल उभरेंगे उनको पेशेंस के साथ डील करना है लेकिन कोशिश ये कि अल्लाह का मैसेज समझ आए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ सी यू नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर इसलिए क्योंकि 2021 शुरू हो रहा है जजाक खैर असल वरहि वरक